हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली सुबह 10 बजे अपनी क्लास होती है, जहां पर हम लोग एएलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी मैं आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। और दोस्तों 9 तारीख को सुबह 10 बजे आप लोग तैयार रहिए, रेलवे का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। बताओ, देखो दोस्तों, क्वेश्चन में आप लोगों को बोला जा रहा है द एरिया ऑफ ए जीरो साइज पेपर। आपको पता है जो ड्राइंग आप लोग बनाते हो, जो शीट आती है वो अलग अलग साइज की आती है। A4 साइज की भी शीट आती है, A3 साइज की भी आती है, A2 साइज की भी आती है। आप लोगों से ये पूछ रहा है कि ये जो A0 है, या इसको A0 भी बोलते हैं, इस साइज की ड्राइंग शीट जो होती है उसका टोटल एरिया कितना है। देखिए दोस्तों, समझिए पहले, आप लोग यहां पर नजर दीजिए। देखो, अगर मैं आप लोगों को छोटी सी बात बोलूं, जैसे आप लोग देख रहे हो, ये रहा A4 साइज की, ये जो ये साइज है ना, ये है A4 साइज, ठीक है, ये है A4 साइज का, क्लियर है। अगर बात करें दोस्तों A1 की, तो ये हो गया आप लोगों का पूरा क्या हो जाएगा, A1, ठीक है। बात करें A0 की, ये पूरा का पूरा A0 हो जाएगा, मतलब A0 आप लोगों का काफी क्या है, बड़ा है। तो इसकी जो डायमेंशन होती है ना, वो होती है 84.1 × 118.9 सेंटीमीटर। इसको mm में बदलोगे तो क्या होगा, 10 से गुना कर दो तो आ जाएगा 841 mm गुना 1189 mm, इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, सर इसमें लंबाई कौन सी है, चौड़ाई कौन सी है। जैसे अगर मैंने A4 साइज की कोई शीट ली, फॉर एग्जांपल ये मान लो ये A4 साइज की शीट है, ठीक है, तो इसमें इसकी डायमेंशन क्या है, 210 mm गुना 297 mm 297 mm। मुझे एक चीज आप लोगों से पूछनी है, ज्यादा कौन सी 297 mm, तो ये वाला हो जाएगा 297 mm, कम कौन सी ये वाली, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 210। अब प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं इसमें लंबाई कौन सी है, चौड़ाई कौन सी है, लंबाई कौन सी है, चौड़ाई कौन सी है। तो बहुत जनों को लगता है लंबाई हम लोग उसको बोलेंगे जो बड़ी है, चौड़ाई उसको बोलेंगे जो कम है। नहीं दोस्तों, ये होगी आप लोगों की लंबाई और ये होगी चौड़ाई। तो कभी आप लोगों से लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे ना, इनमें से कोई सा भी, देखो आप लोग ध्यान से समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये सबकी स्टार्टिंग में क्या लिखी हुई है, लेंथ लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है, उनकी विड्थ लिखी हुई है। तो कोई सी भी ड्राइंग शीट का लेंथ और विड्थ का रेशियो लोगे ना, हमेशा 1/√2 आएगा, हमेशा 1/√2 आएगा, ठीक है सर। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसका एरिया पूछा था A0 का, तो उसका एरिया होता है 1 m². अब ऑप्शन में देखोगे तो 1 m² है ही नहीं, तो आप लोगों को पता है 1 m में होते हैं 100 सेंटीमीटर या 10^2 सेंटीमीटर में इसको बोल सकता हूं। तो दोस्तों मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 10^4 cm², ठीक है, 10^4 का मतलब है 40। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी लीवर का उदाहरण है। आप लोगों को बताना है, चार आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सेकंड क्लास का लीवर है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है लीवर क्या होता है, सर जो लीवर होता है ना, लीवर वो एक प्रकार की क्या होती है, रॉड होती है, एक प्रकार की छड़ होती है, ठीक है। ये रही आपकी लीवर, ये रही आपकी रॉड। ये जो रॉड होती है वो एक पॉइंट के अबाउट घूमती है, इस पॉइंट को आप लोग बोलते हैं फलक्रम, और हिंदी में आप लोग इसे बोलते हैं आलंब। अब मानते हैं यहां पर आपने कोई चीज रख दी, ये आपके लिए क्या है, लोड है, भार है, इसको आपको उठाना है। तो इसके लिए आपको इनपुट कहां पर देना पड़ेगा, इधर देना पड़ेगा। आप लोगों को एफर्ट कहां पर लगाना पड़ेगा, यहां पर लगाना पड़ेगा। तो देखो, तीन चीजें होती है किसी भी लीवर में, एक तो लोड, एक फलक्रम और एक एफर्ट। दोस्तों ट्रिक याद रखो, FLE, इसका मतलब अगर फलक्रम बीच में होता है तो यह पहली क्लास का लीवर होता है, लोड बीच में होता है तो दूसरी क्लास का लीवर होता है, और एफर्ट बीच में होता है तो तीसरी क्लास का लीवर होता है। आप लोगों से दूसरी क्लास वाला पूछ रहा है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें लोड बीच में होगा, ठीक है। एक एक की बात करें, चलो हम लोग बात करते हैं इसकी। ऑप्शन में क्या क्या दिया है आप लोगों को, क्या प्लायर दिया है, क्या प्लायर, बिल्कुल सर प्लायर दिया है।
देखो प्लायर में क्या होता है, प्लायर होता है ना किसी चीज को खींचने के लिए, जो इलेक्ट्रिशियन यूज करते हैं, जो कारपेंटर यूज करते हैं। देखो आप लोगों को मान लो कोई वायर है, इसको खींचना है, तो ये आप लोगों का वायर इसमें फंसा हो गया, ये हो गया लोड, आप दम कहां पर लगाओगे, इस जगह लगाओगे, ये रहा आपका एफर्ट और इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, तो फलक्रम बीच में, तो फलक्रम बीच में होता है, तो पहली क्लास का लीवर होता है दोस्तों, ये पहली क्लास का लीवर है। ठीक है, बात करें दोस्तों सीसॉ, आपने पार्क में देखा होगा वो झूलने वाला कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, बीच में फलक्रम होता है, यानी ये भी पहली क्लास का लीवर है। बात करते हैं आइस टंग, यानी आइस को, बर्फ को उठाने वाली जो चिमटी होती है ना, वो कैसी होती है, यहां पर आपकी बर्फ है, इसको उठाना है आपको, ये आपके लिए लोड है, समझ में आ गया, दम कहां पर लगाओगे, दम एफर्ट कहां पर लगाओगे, इस जगह एफर्ट लगाओगे, और ये हो गया फलक्रम, तो इसमें बीच में क्या रहा है, एफर्ट आ रहा है, तो यानी यह है तीसरे क्लास का लीवर है। दोस्तों बात करते हैं व्हील बैरो, देखो ये रहा व्हील बैरो, ये इसका क्या है, माल है जो आपको उठाना है, ये आपके लिए लोड है, ये पॉइंट क्या है, फलक्रम है, यहां पर आप लोगों को एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो लोड बीच में, तो ये आप लोगों का सेकेंड क्लास का लीवर हो जाएगा। समझ गए बात को, जल्दी से बताओ, बात समझ गए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताओ, बताइए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, एक पंप है, कितने वॉट का है, सर 400 वॉट है, इसकी दक्षता निकालनी है, इसकी एफिशिएंसी आपको निकालनी है। अब दोस्तों क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है, ध्यान से समझो, इसकी दक्षता निकालनी है जो 10 मिनट में 500 किलोग्राम पानी को 30 मीटर तक उठा सकता है। दोस्तों एक छोटी सी बात आप लोग समझो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि m द्रव्यमान की चीज को आप लोगों को अगर h हाइट तक उठाना है, तो इसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, सर इसके लिए mgh वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, mgh वर्क करना पड़ेगा, तो m कितना है, 500 किलोग्राम। ठीक है, g का मान क्या है, 10, कितनी हाइट तक उठा रहे हो, 30 मीटर तक हाइट तक उठा रहे हो, इतना वर्क करना पड़ेगा। दोस्तों कितने समय में उठा रहे हो, 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब 600 सेकंड में, तो दोस्तों कितना वर्क करा, कितने टाइम में करा, इससे पावर कैलकुलेट कर सकते हो, तो कितने टाइम में करा आप लोगों ने, 600 सेकंड में, तो मुझे पावर का मान बताइए। दोस्तों दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गई, 30 कटा 6 से 5 बार में, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 10 250, तो आपका आंसर आ जाएगा 250 वॉट। इसकी पावर कितनी है एक्चुअली में, 250 वॉट, जबकि लिखी कितनी थी, 400 वॉट, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, कायदे से 400 वॉट इस रेट से कार्य करना चाहिए था, बट कितनी रेट से कर रहा है, केवल इस रेट से, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 250/400, 100 से गुना कर दो, परसेंटेज में निकाल दो, आपका 400 गया, 100 से 4 बार में, 250/4 कितना आ जाएगा, आप लोग मुझे बताएंगे, सर 250/4 कितना हो जाएगा, प्लस 6, बताओ कितना आ रहा है, 6 बार 8, हाँ 62.5 के आसपास आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से। ठीक है, चले आगे। अरे समझ में आई नहीं आई, आ गई सर, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आप लोग बताए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। और दोस्तों 9 तारीख को सुबह 10 बजे आप लोग तैयार रहिए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा धमाका है। ठीक है, बताओ द नोटेशन 2x 5 6 मीन्स, ये दोस्तों ये जो इसका मतलब क्या है आपको ये बताना है। देखिए कई बार आप लोगों से एग्जाम में सिंपली ये भी पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या है। देखिए जब भी आप लोग इंजिंग ड्राइंग बनाते हैं, तो जैसे मान लो आपने कोई ड्राइंग बनाई, इसमें क्या है, ये आप लोगों ने सर्किल बनाया, हर सर्किल का दोस्तों कुछ ना कुछ डायमीटर होता है, तो इसको बताने के लिए कि इसका डायमीटर कितना है, 6 mm है, 10 mm है, तो यहां पर आप लोगों ने क्या लिख दिया, फाई 10 लिख दिया। फाई का मतलब क्या है, ये डायमीटर को बता रहा है, सर्किल के व्यास को बता रहा है, फाई 10 का मतलब है कि इस सर्किल का जो व्यास है वो कितना है, 10 mm है। समझ में आ गया। अब देखो 2x 5 6 का मतलब क्या है, एक सर्किल है, एक वृत्त है, जिसका डायमीटर है आप लोगों का 6 mm, समझ में आ गई। और ऐसे क्या क्या है, ऐसे दो सर्किल है, ऐसे दो सर्किल है आपके पास में, तो टू सर्किल्स ऑफ रेडियस 6 यूनिट्स, नहीं टू सर्किल्स ऑफ डायमीटर 6 यूनिट्स, ठीक है, 6 इकाई है ना, वो इकाई कुछ भी हो सकती है, एमएम भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, तो दो सर्किल है आपके पास में, दो वृत्त है जिनका डायमीटर व्यास दिया हुआ है 6 यूनिट है, और ऐसे कितने हैं टोटल हमारे पास में, दो सर्किल है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को।
चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताओ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। बताओ क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक निश्चित गियर ट्रेन में ड्राइवर के 24 दांत होते हैं जबकि ड्रिवन के 8 दांत होते हैं। दोस्तों ये गियर ट्रेन है, इसमें दोस्तों ये मान लेते हैं ड्राइवर है, ये ड्राइवर है, ठीक है, और इस जब ये घूम रहा है तो इसकी वजह से ये घूम रहा है, तो ये क्या है आप लोगों का, ड्रिवन है। समझ में आ गई बात को, कोई परेशानी नहीं। अब क्वेश्चन में समझते हैं कि निश्चित गियर ट्रेन में ड्राइवर के 24 दांत होते हैं जबकि ड्रिवन के 8 दांत है। दोस्तों इसमें नंबर ऑफ टीथ आप लोगों को कितने दिए गए हैं, 24 दिए गए हैं, जबकि इसमें टीथ कितने हैं, केवल 8 है, ठीक है। ड्राइवर के प्रत्येक डैश चक्कर के लिए ड्रिवन 36 बार घूमता है। दोस्तों अगर ड्रिवन ये वाला जो है, अगर वो 36 चक्कर लगा रहा है तो इसके लिए इसको कितने चक्कर लगाने पड़े होंगे, क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। दोस्तों ड्राइवर जो है ना, ये घूम रहा है तो इसकी भी कुछ ना कुछ रोटेशनल स्पीड है, घूर्णन गति है। अरे 20 आरपीएम पे घूम रहा है, ये 40 आरपीएम पे घूम रहा है, या 80 आरपीएम पे घूम रहा है, कुछ ना कुछ होगी। तो इसकी रोटेशनल स्पीड को मैं N1 बोल देता हूं और इसकी रोटेशनल स्पीड को मैं बोल देता हूं N2। समझ में आ गया दोस्तों। इसमें जो नंबर ऑफ टीथ है इसको मैं T1 बोल देता हूं, इसमें जो नंबर ऑफ टीथ है दांतों की संख्या उसको T2 बोल देता हूं। हमेशा ध्यान रखेंगे N1 और N2 का जो रेशियो होगा ना वो किसके बराबर होता है, T2 बाय T1 के बराबर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ड्रिवन 36 बार घूमता है। फॉर एग्जाम्पल एक मिनट में 36 बार घूम रहा है तो यह एक मिनट में कितना घूमेगा, क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछना चाह रहा है। तो N1 का मान आप लोगों से पूछा गया है, इसको ऐसे की ऐसे रख देते हैं। N2 का मान कितना है, 36 है। T2 का मान कितना है, 8 है। T1 का मान कितना है, 24 है। ये 24 कटा 8 से 3 बार में, तो N1 का मान क्या हो जाएगा, 36/3। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ बताओ। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में पैरासीटामोल पाया जाता है। देखो आप लोगों को बताया जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, उसमें आप लोगों को पैरासीटामोल हम लोग जनरली रखते ही रखते हैं। अब ये पैरासीटामोल का काम क्या है, क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों ध्यान से आप लोग समझो, हम लोगों को लगता है पैरासीटामोल का इस्तेमाल होता है फीवर को कम करने में, बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों फीवर को भी कम करता है और आपकी बॉडी में जो पेन होता है दर्द उसको भी कम करता है, ठीक है। तो ईज माइल्ड पेन, तो अगर आप लोग के कोई हल्का दर्द हो रहा है ना उसको भी कम कर देगा। बहुत सीवियर पेन हो रहा है तो आप लोगों को फिर उसमें हैवी पेन किलर लेनी पड़ेगी, ये कोई हल्का माइल्ड आप लोगों का मॉडरेट जो पेन है उसको कम कर देगा और क्या करता है, फीवर को भी कम करता है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए आंसर जल्दी से इसका बताओ। दोस्तों क्या आज आपको साउंड क्वालिटी बेटर नजर आ रही है, बेटर लग रही है, क्योंकि इसमें मैंने साउंड एब्जॉर्बर लगा दिया है, जो छोटा मोटा काम है वो भी आप लोगों का हो गया है, अब वीडियो क्वालिटी वगैरह सब आप लोगों को परफेक्ट मिल रही होगी। बताओ बताओ आंसर बताइए इसका। देखिए आप लोगों से बोला जा रहा है धातु के तार के प्रतिरोध R, जैसे मान लेते हैं कोई दोस्तों वायर है, कोई आप लोगों को क्या दिया गया है, वायर दिया गया है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, R। इसकी जो कंडक्टिविटी है, जो चालकता है, वो कितनी दी गई है, सिग्मा। इसकी जो लंबाई है वो कितनी दी गई है, एल। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना दिया गया है, ए दिया गया है। अब आपको इनमें क्या बताना है, संबंध बताना है, रिलेशन बताना है। सर कैसे कर सकता हूं, अभी बताता हूं। दोस्तों आपको पता है हर वायर की कुछ ना कुछ प्रतिरोधकता होती है, रेजिस्टिविटी होती है, इसकी रेजिस्टिविटी को मैं मान लेता हूं रो। सर इससे क्या होगा, देखो अगर आप लोगों को किसी की कंडक्टिविटी निकालना है, चालकता निकालना है, तो वो किसके बराबर होता है, 1/रेजिस्टिविटी के बराबर होता है।
अब बात आती है सर रजिस्टिविटी को कैसे निकाले। देखो किसी भी वायर का अगर आपको रजिस्टेंस निकालना है तो क्या होता है, रजिस्टिविटी गुना लंबाई बटे एरिया। तो रजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी, आर इंटू ए बाई एल के बराबर हो जाएगी। क्लियर है क्या? तो सिग्मा बराबर वन बाय रजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी आप लोगों की, आर इंटू ए बाय एल। तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू आर इंटू ए बराबर एल। ठीक है, सिग्मा इंटू आर इंटू ए बराबर एल। दोस्तों हो गया क्या, बताओ जल्दी से, क्लियर है? चले आगे। अरे बी कहां से हो जाएगा यार, ए होगा। बी कहां से हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चले आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताओ बताओ। तो क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कुछ फर्स्ट एड बॉक्स में एंटी हिस्टामिन पाए जाते हैं, इन दवाओं को कब लेना चाहिए। आप लोगों से क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि इन दवाइयों को आप लोग कब लेना चाहिए। देखो एंटी हिस्टामिन क्या होते हैं, पहले आप लोग मुझे ये समझिए। देखो ये समझो पहले, आप लोगों ने देखा होगा कई बार आप लोग जब डस्ट वगैरह में जाते हो तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा छींक आती है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है, छींक बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर करे उसको बाहर भी तो निकालना है। तो कुल मिला के इसको हम लोग बोलते हैं एलर्जी, यार मुझे एलर्जी है। तो ऐसा होता क्यों है, जब आप लोग किसी डस्ट में जाएंगे, बहुत ज़्यादा धूल में जाएंगे, तो वो धूल के पार्टिकल आपके बॉडी में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। इस दौरान आपकी बॉडी में एक पदार्थ निकलता है जिसे बोलते हैं हिस्टामिन, और उसके निकलने से आपको छींक आएगी जिसकी वजह से वो डस्ट पार्टिकल बाहर निकले। तो जब बहुत ज़्यादा छींक आ रही है, इसके पीछे क्या कारण है, हमारी बॉडी में हिस्टामिन बन रहा है। तो एंटी हिस्टामिन का मतलब क्या है, हम लोग चाहते हैं वो नहीं बने, जैसे छींक खांसी ये नहीं आए। तो दोस्तों ये कब इस्तेमाल करते हो आप लोग, तो आप लोगों के मान लेते हैं कोई एलर्जी हो रही है, छींक खांसी बहुत ज्यादा हो रही है दोस्तों, और हे फीवर। ये हे फीवर क्या होता है, ये भी डिजीज है जिसमें बहुत ज्यादा छींक खांसी आती है, तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए आप लोग एंटी हिस्टामिन का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताएं। ठीक है, चलिए, अरे कहां गया, बताओ इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन में आप लोगों को बोला जा रहा है कि लकड़ी का एक ब्लॉक पानी पर तैरता है जिसकी मात्रा 65% पानी के नीचे होती है, तो इसका घनत्व आप लोगों को बताना है। देखो समझो मेरी बात को, मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो। जैसे मान लेते हैं ये क्या दिया हुआ है, आप लोगों को पानी दिया गया है, इस पानी में क्या है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है जो कि क्या कर रहा है, तैर रहा है। ठीक है, लकड़ी का कोई टुकड़ा क्या कर रहा है, तैर रहा है, और दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से तैर रहा है कि इसका 65% भाग क्या है, पानी के अंदर है। तो ऊपर कितना होगा, ऊपर कितना होगा दोस्तों, 35% भाग होगा। ठीक है, अब आपको इस लकड़ी का घनत्व निकालना है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, मैंने आपको कई बार एक शॉर्ट ट्रिक बताई है कि मैं आपको बोलूं इसका कितना परसेंट भाग पानी के अंदर है, ये कैसे आप लोग निकाल सकते हो, इसकी रिलेटिव डेंसिटी निकाल दो। लकड़ी की रिलेटिव डेंसिटी, लकड़ी का आपेक्षिक घनत्व किसके बराबर होगा, इसका कितना परसेंट भाग पानी के अंदर है। तो लकड़ी की रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ गई, 65%, इसको परसेंट का साइन हटाओ, 65/100। और दोस्तों रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, किसी भी पदार्थ की रिलेटिव डेंसिटी आपको निकालनी है तो क्या करना है, उसके घनत्व में आपको पानी के घनत्व का भाग लगाना है, उसके घनत्व में आपको पानी के घनत्व का भाग लगाना है। पानी का घनत्व कितना होता है, 1000, तो घनत्व कितना हो जाएगा, 65/100 इंटू 1000, ये दो जीरो से दो जीरो कटे, 65/10 हो गया आप लोगों का, 65/10 कितना हो गया आप लोगों का, 650 हो गया। तो 650 को और क्या लिख सकते हो आप लोग, 1000 से गुना कर दो, 1000 से भाग लगा दो, तो क्या जाएगा, 0.65 × 10³, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी मानक इंजन ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित अनुपात है, बताओ बताओ।
क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, बहुत जनों को लगता है लंबाई ज्यादा हो गई चौड़ाई कम हो गई। दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में जैसे ये A4 साइज की शीट है ना, तो ये होती लंबाई, ये होती चौड़ाई, ध्यान रखना गलती ना करे। कई बच्चों ने 2018 में भी गलती करी थी दोस्तों, कई क्वेश्चन गलत करके आए थे। आप स्टैंडर्ड बुक देखोगे ITI डिप्लोमा की निम्मी पैटर्न के आधारित पे जितने भी बुक्स है सब में इसको लंबाई माना है, इसको चौड़ाई माना है, और हम लोगों को वो ही फॉलो करना है क्योंकि रेलवे वो ही फॉलो करता है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। ठीक है, कोई सी भी आप लोग ड्राइंग शीट ले लो, चाहे आप लोग A1 साइज की ले लो, चाहे A4 साइज की ले लो, कोई सा भी ले लो आप लोग। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताएंगे। सर रेलवे एग्जाम के लिए बुक लॉन्च करे, सब करेंगे टेंशन मत लो, 9 तारीख को सुबह 10 बजे एक बहुत बड़ा धमाका है आपके लिए। बताओ बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होती है, बताओ बताओ। देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गंधहीन होती है, बिल्कुल स्वादहीन होती है, बिल्कुल रंगहीन होती है, बिल्कुल जहरीली होती है। नहीं सर, दोस्तों बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रंगहीन होती है कि नहीं सर, ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ये भी नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन होती है, लेकिन दोस्तों जहरीली होती है आपकी। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे। बताओ बताओ, देखो क्या बोला जा रहा है, एक वस्तु विराम से x बराबर 0 मीटर और t बराबर 0 सेकंड से शुरू होती है। देखिए दोस्तों ये आप लोग मान लो x, ये आप लोग मान लो y, ठीक है, तो आप लोगों को बोला जा रहा है x बराबर 0 मीटर, मतलब यहां से वो आपका स्टार्ट हो रहा है, और t बराबर 0 सेकंड से शुरू होती है, मतलब अभी आपकी जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है, आपने मान लो स्टॉप वॉच अभी स्टार्ट नहीं करी है, ठीक है, अभी 0 सेकंड है, अभी आप बिल्कुल यहां पर हो। अब x अक्ष के अनुदिश, इसी आप लोग एक्सिस के अलोंग आप लोग जा रहे हो, किस एक्सेलरेशन से, किस त्वरण से, 2 m/s² के त्वरण से आप लोग जा रहे हो। तो 1 सेकंड और 5 सेकंड के बीच इसका औसत वेग क्या है, पहले दोस्तों आप मुझे बताओ, पहले सेकंड पर इसका जब 1 सेकंड पर होगा ये उसका, तब वेग क्या होगा, तो आइए निकाल लेते हैं, v बराबर यू प्लस एटी। ठीक है, 1 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, प्रारंभ में इसका वेग था 0, एक्सेलरेशन का मान था 2, टी का मान रखो 1, तो 2 m/s इसका आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड पे मान लेते हैं इसका वेग कितना था, 2 m/s। दोस्तों मुझे बताओ 5 सेकंड पर इसका वेग कितना होगा, तो यू का मान 0 प्लस ए का मान 2 है ही, 5 × 2 10 m/s, यानी 5वें सेकंड पे इसका वेग जो होगा ना वो 10 m/s। अब आप लोग उसको देख पा रहे हो, पहले 2 m/s था, फिर कभी बढ़ रहा होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप लोगों से एवरेज पूछा है। तो देखो ध्यान से समझो इस इक्वेशन को, ध्यान से देखो v बराबर u प्लस at, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, u का मान तो 0 है, ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा a इंटू टी। अगर आप लोगों एक ग्राफ बनाओगे वेग में और टाइम में, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा ना। अरे देखो वेलोसिटी टाइम पे कैसे डिपेंड कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही तो है,
एक स्ट्रेट लाइन तो है, तो जब भी आप लोगों की स्ट्रेट लाइन होती है उसमें एवरेज कैसे निकालते हो, तो यहां पर 2 है, यहां पर 10 है, तो यहां पर पूरे में एवरेज कितना हो जाएगा, 10 + 2 = 12, 12 का आधा कर दो 6। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चले आगे, चले आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर बताओ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। T1 और T2 समय के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल उस समय अंतराल के दौरान वस्तु के डैश के बराबर होता है। दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जैसे कौन सा ग्राफ दिया गया है, वेग समय ग्राफ दिया गया है। एक एक्सिस पे आप लोगों ने वेलोसिटी ले ली, वेग ले लिया, एक एक्सिस पे आपने क्या ले लिया, टाइम ले लिया, यानी समय ले लिया। समझ में आ गई बात को, ठीक है। तो वेग समय आप कोई दो टाइम है T1 और T2, कोई दो टाइम है T1 और ये दूसरा टाइम है T2, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व मान लेते हैं दोस्तों, ये कर्व है, ठीक है। तो इसका आप लोगों को क्या लेना है, वेग समय वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल। जैसे मान लो ये जो एरिया है ना, ये आपको क्या देगा, क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा जा रहा है, बताओ ये क्या देगा, ये क्या देगा। अब देखो आप लोग मुझे सिंपल सी बात बताओ, इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं और सिंपल बनाता हूं, आप खुद ही समझ जाओगे। जैसे मैं ग्राफ बनाऊंगा, ये एक एक्सिस पे वेलोसिटी, एक एक्सिस पे टाइम, मान लेते हैं T1 इधर था, T2 इधर था, ठीक है। ये कोई ग्राफ था, तो ये जो एरिया आया वो क्या बताएगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। दोस्तों आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इसको कई तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कई तरीके से। कैसे, मुझे बताओ वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। अगर मैं बोलूं कि इसका एरिया निकालो, मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, मान लो ये त्रिभुज है, त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ये बेस कितना हो जाएगा, बेस 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, कुछ ना कुछ सेकेंड में आएगा, और ये हाइट कितने आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड में आएगी, ठीक है। तो ये सेकेंड से सेकेंड कटा, आंसर आपका कुछ मीटर आ रहा है। दोस्तों क्या फोर्स का मात्रक मीटर होता है क्या, नहीं। एक्सेलरेशन का मात्रक मीटर होता है क्या, नहीं। वेलोसिटी का मात्रक मीटर होता है क्या, नहीं। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। एक तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, दूसरा क्या तरीका है आप लोगों को बताएं, वेलोसिटी क्या होता है आप लोगों का, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, यही होता है ना, या कुछ टाइम में, कुछ टाइम इंटरवल में, कुछ टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आया, आप लोग ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम के इंटरवल में, तो कहीं ना कहीं आप लोग इस एरिया निकाल रहे हो ना, तो क्या कर रहे हो, वेलोसिटी टाइम को मल्टीप्लाई तो करो, तो वेलोसिटी और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो आएगा, विस्थापन तो आएगा, ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चले आगे, चले आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सबसे कम प्रतिरोधकता वाले चालक की पहचान करिए, बताओ सबसे कम प्रतिरोधकता वाले चालक की पहचान करिए, इनमें से सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होगी। दोस्तों जिसकी प्रतिरोधकता कम उसकी चालकता सबसे ज्यादा, जिसकी चालकता सबसे ज्यादा वो सबसे अच्छा कंडक्टर होगा, बेस्ट कंडक्टर होगा। बताइए इनमें से बेस्ट कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का, सिल्वर, चांदी है, चांदी की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, चांदी में करंट सबसे फास्ट फ्लो करेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आप लोगों को अपना दिमाग लगाना है, दिमाग लगेगा और कुछ नहीं लगेगा इसमें, बताओ बताओ। देखो A4 शीट के छोटे हिस्से का A3 शीट के लंबे हिस्से से अनुपात क्या है, देखो आप समझो मेरी बात को, इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना। जैसे A4 शीट है, इसकी दोस्तों जो डायमेंशन है वो कितनी है, 210 × 297, अगर मैं mm में लूं तो, ठीक है। और A3 की डायमेंशन क्या है, 297 × 420। अब देखो मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो, A2 की कितनी होगी, 420 × 594, A1 की कितनी होगी, 594 × 841, A0 की कितनी होगी, 841 × 1189। समझ में आ गई बात को, ठीक है। A4 शीट का छोटा हिस्सा, A4 शीट का छोटा हिस्सा कितना है, 210 है, ठीक है।
और A3 शीट का लंबे हिस्से है, A3 शीट का लंबा कौन सा इसमें से, ये वाला, इसका अनुपात आप लोगों से पूछा जा रहा है। आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसे आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है, अगर मान लो आप लोगों को नहीं पता होता तो आप कैसे सॉल्व करते, देखो मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो, कैसे सॉल्व करना है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दोस्तों इसकी भी मैं डायमेंशन लिख देता हूं, कितनी हो जाएगी, 148 × 210, ठीक है। तो इसकी साइज है 148 × 210, इसकी क्या है 210 × 297, इसकी क्या है 297 × 420, इसकी क्या है 420 × 594, इसकी क्या है 594 × 841, इसकी क्या है 848 × 1189, ठीक है ठीक है। आपको यह भी पता है इसका और इसका जो रेशो होता है वो 1:√2 का होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मानूं, इस साइड को A4 की छोटी साइड को अगर मैं x मानूं तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मुझे बताओ सर, ये हो जाएगा √2x, क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या। अब A3 की छोटी साइज क्या होगी, A3 की छोटी साइज होगी सर वही √2x, और ये कितनी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा। तो अब ये बन गई A4 की छोटी, ये बन गई A3 की बड़ी, इसका ही तो रेशियो पूछा जा रहा है x/2x का, तो 1/2 हो जाएगा। समझ गए बात को, अरे समझे या नहीं समझे बात को, ठीक है आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर बताइए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताओ बताओ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा रो प्रतिरोधकता वाले धातु के तार के बीच विभवांतर V के बीच सही संबंध है, लंबाई L और क्रॉस सेक्शन A का क्षेत्रफल जिसके माध्यम से चार्ज Q t सेकंड में बहता है। कुल मिला के आप लोगों को रिलेशन निकालना है किसमें, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, विभवांतर V, लंबाई L, क्रॉस सेक्शन A, आवेश Q, टाइम t, इनमें आपको रिलेशन यानी संबंध निकालना है। कैसे हम लोग निकाले आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आपको पता है V किसके बराबर होता है सर, I इंटू आर के बराबर होता है, ठीक है। V लेकर आना है क्या, अभी लाते हैं, टेंशन मत लो। I रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बटे एरिया के बराबर होता है सर, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर, बहुत मजा आ गया। और बताओ दोस्तों करंट क्या होता है सर, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम के, तो क्यू बाई टी के बराबर होता है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इधर क्या हो जाएगा आप लोगों का, V इंटू ए इंटू टी, और राइट में आ जाएगा क्यू इंटू रो इंटू एल। देखो कुछ ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, देखो V इंटू ए इंटू टी बराबर क्यू इंटू रो इंटू एल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों समझ में आया बात को, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर बताइए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व वाले धातु के टुकड़े का आयतन ज्ञात करें जिसका वजन 10.8 न्यूटन है। दोस्तों इसका वजन भार दिया हुआ है 10.8 न्यूटन, भार है ये न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, भार की, यानी एमजी का मान दिया गया है 10.8, ठीक है। तो इसका एम, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 10.8 में भाग लगा दो स्मॉल जी का, स्मॉल जी कितना है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 1.08 किलोग्राम। समझ में आ गई बात को, अब आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, अभी निकालते हैं सर। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है आपका मास बाय डेंसिटी। मास का मान कितना दिया गया है, द्रव्यमान का मान 1.08 किलोग्राम। डेंसिटी आपको कितनी दी गई है, डेंसिटी 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, मीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा, तो वॉल्यूम का मान हो गया 1.08 बटे 5000 मीटर क्यूब। दोस्तों एक मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर यानी 10^2 सेंटीमीटर, तो मीटर क्यूब में क्या आ जाएगा आप लोग का, 10^6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा।
तो अगर आप लोगों को मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो क्या कर दो, 10^6 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए सॉल्व। देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दो, ऊपर क्या बचा, 10^3 बचा। अब 1.08 इंटू 10^3 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा सर 1080, नीचे आ जाएगा आप लोगों का 5, तो 1000/5 हो जाएगा आप लोगों का 200, और ये आपका 80/5 हो जाएगा 216 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ गए बात को, बताओ समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए, सौ ओम वाले दो प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है, वोल्टेज स्रोत द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धारा का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को एक रेजिस्टेंस दिया गया है 100 ओम का और दूसरा भी दिया गया है 100 ओम का, दोनों को आपस में किस में जोड़ा है आप लोगों ने, पैरेलल यानी समांतर में आपने जोड़ा है, और इस कॉम्बिनेशन को आप लोगों ने किससे जोड़ दिया, 40 वोल्ट की बैटरी से आप लोगों ने जोड़ दिया। ठीक है, तो वोल्टेज द्वारा इसके द्वारा जो करंट सप्लाई करी जा रही है वो कितनी है, क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए दोस्तों V बराबर होता है आपका I इंटू R, V का मान है 40, ठीक है, इससे कुछ करंट निकल रही है I, दोस्तों इसका नेट रेजिस्टेंस बताओ, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर, देखिए दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो कैसे निकालेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2, कितना हो जाएगा 1/100 प्लस 1/100 2/100, तो 1/R इक्विवेलेंट का मान आ गया 2/100, तो R इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा आपका 100/2 यानी 50। ठीक है, तो ये आ गया 50, I का मान कितना हो जाएगा 40/50, 4/5 कितना होता है 0.8 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, चले चलिए। ठीक है, तो दोस्तों ये एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। 9 तारीख को सुबह 10 बजे तैयार रहना, रेल वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ा धमाका है। ठीक है, आप लोग का जनरल साइंस का कंप्लीट बैच चल रहा है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बैचेस अवेलेबल है, कंटेंट आप लोग देख सकते हो रोज रोज, मैं क्या बताऊं, शानदार प्रॉपर एनिमेशन से आप लोगों को क्लास मिलेगी, आपको सारी PDF मिलेगी, जनरल साइंस में टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की अवेलेबल है। सर ये देखो कंटेंट आप लोग देख सकते हो, है ना, बिल्कुल एक नंबर। चलो अब दोस्तों आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पर जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, वहां से आपको मिल जाएगा, आपको अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप लोग बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, इस क्लास की PDF में भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, बाय बाय।